आकर हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं श्री संकट मोचन शिव मंदिर कमेटी आभारी है। तो अब मैं श्रीमान कर्नल वीपी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और पंडित वीरेंद्र शर्मा जी में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इनका मार्गदर्शन हम कहें शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये भी सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। राम जी उनको सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभिषेक शर्मा जी क्या उम्र है और क्या लगन है भगवान के प्रति। ये भी रायल शर्मा जी की भी ये उम्र और बहुत अच्छा आज अभी से लेकर कल तक निरंतर चलता रहेगा। कल इसका शुभ समापन होगा अक्षय तृतीया के दिन। तो ये मैं आपको जैसे पहले भी बताया इस सत्संग भवन का निर्माण पिछले साल अक्षय तृतीया के दिन शुरू हुआ था और आज देखिए इस हाल का नजारा किस प्रकार कितना अद्भुत और सुंदर लग रहा हो। क्योंकि धर्म के प्रति जो भी भवन बनता है उसकी महिमा ही अलग होती है, उसकी सुंदरता ही अलग होती है, क्योंकि उसमें धर्म कार्य किए जाते हैं। और हम सब के लिए ये बड़ा सौभाग्य भरा दिन है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस शिव संकट मोचन शिव मंदिर के प्रांगण में इतने इतने धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, कितने कितने महान संत यहाँ पर पधारते रहते हैं और हम सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। यही पर हम सबको आशीर्वाद के रूप में मेरा मैं सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूँ। कोई भी धर्म कार्य हो उसमें मेरा शामिल होना मैं अपनी जिंदगी में एक अपना फल समझता हूँ। इसी उद्देश्य से सब जगह जाता हूँ और आप लोगों का ही आशीर्वाद देता हूँ। आप मुझसे यही है कि आप इस धर्म कार्य में जहाँ भी हो वहाँ भाग लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ॐ केशवाय माधवाय नारायणाय महोत्सवः व्यासाय पुनरिष्टाय 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 मंगलम भगवान विश्व मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय सरोवरी डूने में एक एक डूना दे दो सबको। ओम पृथ्वी विति मंत्रस्य अहमेव प्रशिर्षि ओम पृथ्वी विति मंत्रस्य अहमेव प्रशिर्षि की सूत्रम से पूर्ववासवः आधार शक्ति प्रतपदे नमः कि आज पुनियम सर्वांगेषु स्नानं किं समर्पयम्। थोड़े पत्थर पुष्प चढ़ा
फूल चावल चढ़ाइए पृथ्वी माता। जब भी फूल चावल लेने इस मुद्रा में पंडित जी दीप प्रज्वलित करो। परशुराम जी की जय। भगवान विष्णु जी का छठा अवतार है भगवान परशुराम जी। आज इस प्रांगण में श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ जो है ये कमेटी की तरफ से प्रारंभ किया जा रहा है। सबने रल मिल करके इस उत्सव को मनाना है। 24-25 घंटे हैं कि बोलिए परशुराम। कठुआ के इस संकट मोचन शिव मंदिर जो कमेटी है आज वार्ड नंबर 13 के जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं यहाँ आपको भलीभांति पता है कि पिछले दिनों यहाँ पर हमने इस हॉल का निर्माण कार्य शुरू किया था और उस हॉल की लेंटर पड़ा उसके बाद उसका रूपरेखा तैयार की गई उनको पेंट शेंट और जो लाइटिंग का इंतजाम किया गया वो कल मुकम्मल हुआ। तो इसी कड़ी में जो ठंडू राम जी हैं और हमारे वर्मा साहब इन्होंने इसकी व्यवस्था की थी कि यहाँ पर आज के दिन हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे जो हमने कार्य किया है जो लेंटर पड़ा जो हॉल बना है उसका एक किस्म का इनॉग्रेशन किया जाए। तो इसी कड़ी में गोविंद सर वाले महंत भगवान दास जी को यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। जम्मू से हमारे चमन लाल जी जो अभी जो हमारे रामचरितमानस के ऊपर अपनी रोशनी डालेंगे वो यहाँ पर उनकी टीम यहाँ पर पूरी आई हुई है रात से और वो पूरी रात आज यहाँ पर वो अपना प्रवचन करेंगे। तो हम लोग बहुत ही आभारी हैं कि ये हमारी जो छोटी सी धर्म नगरी बन रही है और इसमें बहुत से ऐसे निर्माण हुए भी हैं और आगे भी होने जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पर ये होगा उसके बाद कल यहाँ पर लंगर का भी भंडारे का भी इंतजाम किया गया है क्योंकि कल परशुराम जयंती है उसके उपलक्ष्य में भी यहाँ पर भंडारा किया जाएगा। तो मैं एक बार फिर कठुआ के आवाम और हमारी वार्ड नंबर 13 और 14 के जितनी भी हमारे यहाँ पर अनसुया लोग बैठे हैं और जो लोग देख रहे हैं इस माध्यम से टीवी के माध्यम से मैं उनको यही निवेदन करूँगा कि यहाँ पर आएँ उनका प्रवचन सुने और कल यहाँ पर भंडारा होगा और प्रसाद का ग्रहण करें। जय हिंद जय श्री राम जय श्री राम। जो संकट मोचन शिव मंदिर के प्रांगण में श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ हुआ है ये पाठ संगीतमय तरीके से हुआ जिसमें पंडित चमला शर्मा जी जो कि निशाने से बता रहे हैं ये बड़ा ही सौभाग्य के यहाँ पर दिन है कि हमारा इन्होंने आग्रह स्वीकार किया और जहाँ पर ये बता रहे हैं ये कार्यक्रम जो है भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में पिछले साल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ये भवन का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ था और आज जो अक्षय तृतीया कल है उसके उपलक्ष्य में ही श्री रामचरितमानस का ये पाठ रखा गया है और ये कल इसका भंडारा जहाँ पर भंडारा भी होगा और ये जो भवन बना है इसका भी इनॉग्रेशन होगी। ये सारे समाज के ही पैसे से बना हुआ है ये हर एक ने अपना अपना सहयोग दिया है किसी ने धन का सहयोग दिया है किसी ने श्रम का सहयोग दिया है। तो कल हम सभी मंदिर कमेटी की तरफ से युवाओं को ये विनय करने चाहते हैं कि जहाँ पर मंदिर में पधारें और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान श्री राम जी और भगवान हनुमान जी की भी आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी से सबसे पहले मैं मंदिर कमेटी संकट मोचन शिव मंदिर कमेटी के सदस्य होने के नाते मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि आज श्री संकट मोचन शिव मंदिर के प्रांगण में श्री संकट मोचन शिव मंदिर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पिछले साल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर लंगर भवन और जो विशाल
सत्संग भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तो आज पिछले दिन इसका समापन समारोह था और आज इसका उद्घाटन समारोह है। तो मैं सभी कठुआ के जितने 12-13 के कठुआ के जितने भी धर्म प्रेमी हैं इन सभी के सहयोग से ये निर्माण कार्य संभव हुआ है। तो मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और कल भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी है और जहाँ लंगर भवन की व्यवस्था भी की गई है और लंगर की व्यवस्था की गई है। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूँ कि आप इस धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।